नमः शिवाय। पौष मास शुक्ल पक्ष रविवार चतुर्दशी तिथि दिन में 2:18 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज भी आर्द्रा नक्षत्र में 8:07 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्म जातक सुंदर शांत प्रकृति वाले लोकप्रिय धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। पुत्र और मित्र आदि से सहयोग पाने वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण, सही पूर्वानुमान लगाने में कुशल, वास्तविक एवं व्यवहारिक निर्णय लेने वाले और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। यदि परिस्थितियां साथ दी, सहयोगी लग्न रहा तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। आज भी चंद्रमा पर शनि और बुध की सप्तम दृष्टि, साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र बृहस्पति का होगा, जिससे कुशल कार्य क्षमता बनी रहेगी। व्यक्तित्व का विकास होगा, अधिकारियों का सफल मार्गदर्शन कार्य क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, व्यावसायिक स्थिरता और नेतृत्व करने की क्षमता बनी रहेगी। आपका प्रबंधन प्रशंसनीय होगा और कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर सकते हैं। आज रविवार है, आज ऋण नहीं लेना चाहिए। साथ ही आज का राहुकाल शाम 4:30 से 6:00 तक बना रहेगा, जिसमें किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल आत्मविश्वास कार्य योजनाओं में सहयोग करेंगे। पराक्रम साथ देगा, रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे, धार्मिक भावना और आध्यात्मिक रुचि बढ़ी रहेगी, साझेदारी लाभदायक रहेगी, मगर कुछ कामों में देरी होने से मानसिक दबाव और पहल करने की प्रवृत्ति भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान संबंधी दायित्व पूरे होंगे और विद्यार्थियों के लिए कुशल मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल माहौल से दूर रहने की चेष्टा करें। वृष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में लाभ और घर गृहस्थी संबंधी निवेश के विषय में गंभीरता बढ़ेगी। कार्य योजनाओं को सफल तरीके से लागू करेंगे, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी, मगर कुछ मामलों में कार्य योजनाओं की रुकावट का संकेत भी मिलता है। आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित रहेगा, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और वित्तीय आवश्यकताओं को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। दोपहर बाद निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश का मौका मिलेगा, पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी, कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा, सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर साझेदारी के कामों में रुकावट व विरोधाभास की संभावना बनती है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं की शुरुआत संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर मानसिक रूप से विरोधाभास, अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा की संभावना बनती है। विभागीय कर्मचारियों से सहयोग और कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी, व्यावसायिक पक्ष सक्रिय रहेगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू करेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति आपकी कार्य क्षमता के अनुसार निर्धारित होगी। कुछ नई जिम्मेदारियां संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा, अध्ययन अध्यापन में सफल रहेंगे, भावनात्मक रिश्तों और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और व्यावसायिक योजनाओं में विकास होगा, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मित्रों रिश्तेदारों से भी लाभ संभव है और आज की साझेदारी सफल रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और अनावश्यक यात्राओं का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, साथ ही वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और कार्य योजनाओं की उपलब्धि का योग बनता है। आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और संबंधियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर कुछ मामलों में भ्रमात्मक स्थिति और आय संबंधी संसाधनों में रुकावट का संकेत मिलता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धि कौशल से उसका हल निकालने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातक कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में निर्णय लेने में सावधानी बरतें। कार्य योजनाओं में विकास होगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, मगर कुछ योजनाओं में विरोध या रुकावट का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पिता के स्वास्थ्य की चिंता और दोषारोपण की संभावना बनती है। हालांकि निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और प्रेम संबंधी मामलों में सफलता हासिल होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा 8वें चल रहे हैं, मानसिक दबाव और नकारात्मक सोच बनी रहेगी और भ्रम की स्थिति भी संभावित है। कुछ मामले लंबित हो सकते हैं, मगर साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। छोटी यात्रा और देव दर्शन के योग बनते हैं। संतान संबंधी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वैवाहिक मामलों में रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टि महसूस होगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे, साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और योजनाएं फलीभूत होंगी। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और शैक्षणिक कार्यों में सफलता संभावित है। परिश्रम की प्रवृत्ति बनाए रखें, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। व्यावसायिक उपलब्धि और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। नवीन रिश्तों और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को धैर्य, सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा 6वें चल रहे हैं, पारिवारिक कलह, विरोधाभास, नकारात्मक विचारों का आना, मानसिक दबाव, कार्य क्षमता में कमी और भ्रमात्मक स्थिति का संकेत मिलता है। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी पूर्वक सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि बृहस्पति व शुक्र की युति से विभागीय अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। काम करने में मन लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ शारीरिक और मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही विवादित मामले संवेदनशील रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता संभावित है। साथ ही वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास हर काम करने में सक्षम होंगे। पहले की चली आ रही योजनाओं में गति आएगी, साझेदारी में लाभ मिलेगा और कार्य क्षमता बढ़ेगी, मगर कुछ मामलों में दोषारोपण और विरोधाभास की संभावना बनती है। धैर्य और संयम से काम लेते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां भी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।